दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में, टॉप 5 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। और ये जो कैटेगरी है यहाँ पर 15,000 वाली बहुत ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है स्पेशली इंडिया के अंदर। और वैसे लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, 15 से 20 के बीच में जा रहे हैं, पर फिर भी अभी भी इंडिया के अंदर 10 से 15,000 के बीच में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन खरीदे जाते हैं, तो ये काफी पॉपुलर कैटेगरी है। और मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आज 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो मेरे पिक्स है जो मैंने चूज किए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और अगर बात करें इस 5G कैटेगरी की, 5G स्मार्टफोन वाली कैटेगरी की, तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन नहीं है, कम है, पर मैंने सारे अच्छे स्मार्टफोन चूज किए हैं। और अगर बात करें 5G स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर मैंने रैंक कर रहा हूँ 5 से लेकर 1 तक, यानी कि जो 5वें नंबर पे होगा वो सबसे मतलब कम अच्छा होगा, जो 1 नंबर पे होगा वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी बहुत माइनर चीजें हैं जिसके हिसाब से मैंने रैंक किया है इन्हें। अगर बात करें 5G की ही, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि या तो आप 4G लेकर सब चीजें ले लो, मतलब और ज्यादा फीचर ले लो, या फिर 5G लेकर एक दो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पहली चीज इसके अंदर होगी, आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर ग्लास पैक नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर सकते, ग्लास पैक नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, तो कॉस्ट कटिंग के लिए 15,000 में लाना है, तो यहाँ पर ग्लास पैक नहीं देते हैं, यूजली नहीं देते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, तो ग्लास पैक किसी में भी नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करें अगले कॉन की, तो 4K रिकॉर्डिंग, फोन के रिकॉर्डिंग, मतलब आपको 4K रिकॉर्डिंग, किसी को अगर ज्यादा ही मतलब है कैमरा से और 4K रिकॉर्डिंग से, तो 4K रिकॉर्डिंग किसी में नहीं मिलेगी, कोई भी प्रोसेसर इस रेंज के अंदर 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एक क्राइटेरिया भी है जो कि होना ही चाहिए, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो फोन के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि 90Hz की डिस्प्ले मिनिमम, वैसे 120Hz भी है 3 फोन में 2 में 90 है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैटरी मिनिमम 5000 mAh की होनी चाहिए, और अच्छी बात ये सबके अंदर 5000 है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, सभी स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। 18W मिनिमम फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, आज के समय में फास्ट चार्जिंग जरूरी है, मतलब जैसे जैसे लाइफ चल रही है, तो 18 मिनिमम है, वैसे 20 भी है, 22 भी है, 23 भी है, मतलब 23 और 33 करके, तो मिनिमम 18 होनी चाहिए फास्ट। और कैमरा मिनिमम 48 MP, जो कि एक नहीं है, बाकी सब में 50 है, तो एक क्राइटेरिया है सबको पास करना होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्मार्टफोन चूज किए हैं, तो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों बात करें 5वें नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर Realme 9 5G। वैसे इसके और भी वेरियंट है, Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 SE, और मतलब काफी सारे वेरियंट है इसके, तो Realme 9 5G है ये। तो ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 810 यानी कि 810 प्रोसेसर मिलता है, मीडिया टेक का है, काफी अच्छा और केपेबल प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz की है। इसके अलावा इसके अंदर कैमरे की बात करें तो 48 MP का मेन सेंसर है, बाकी 2 MP के सपोर्टिव रोल वाले, यानी कि जो साइड कैरेक्टर होते हैं वैसे वाले कैमरे, मतलब कैमरा है इसके अंदर, जिनका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं, पर फिर भी हाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसका। और इसके अंदर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे एक क्विक स्पेसिफिकेशंस हैं इसके, जिसमें 5000 mAh की बैटरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर बात करें इसके अंदर कुछ प्रोज की, तो प्रो में पहली चीज है इसके अंदर आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिलता है, कि आप लोग अपनी जो रैम है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्विकली मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर जो रैम होती है बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, नॉर्मल आपकी जो स्टोरेज वाली रैम होती है उससे। तो ये जो ऑप्शन है ये करता है कि आपकी जो मेन एग्जिस्टिंग स्टोरेज है, आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है, उसको उसके कुछ पार्ट को कन्वर्ट करके नॉर्मल रैम में बिहेव करा सकता है, मतलब कि नॉर्मल रैम तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत उसे कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी और ज्यादा चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का होता है ये। तो आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप लोग 4GB लेते हैं तो अप टू 5GB तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल्स नहीं है इसके बारे में, पर हाँ अगर 4GB वाला ऑप्शन मिले तब भी अप टू 5GB तक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसमें एक्सटेंड करने का। डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, इसीलिए भी प्रो के अंदर ही काउंट होता है, तो ये काफी एक अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा इसके अंदर एक जो प्रो और है वो है यहाँ पर आपका इसकी थिकनेस, यानी कि 8.5 mm का स्मार्टफोन है, 188 ग्राम का है, तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, काफी आपको हैंडी फील होगा, ठीक है। डिजाइन भी काफी अच्छा है इसका, तो इसी तरीके से काफी थिन एंड लाइट, लगभग मतलब कंपैरेटिवली लाइट स्मार्टफोन है इस लिस्ट के हिसाब से। तो अगर बात करें कुछ कॉन्स की, तो UFS 2.1 स्टोरेज है, अगर आपको लगेगा नेटपिकिंग कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, तो UFS 2.2 अभी लेटेस्ट है, मतलब नॉर्मल है, जिसमें कि होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो फोन की इंटरनल स्पीड है, जो आप चीजें कर रहे हैं वो फास्ट हो जाए, तो जो कि नहीं मिलता है, तो मुझे वो कॉन लगा, तो मैंने काउंट कर लिया इसके अंदर। इसके अलावा एक कॉन और जो है मेरे हिसाब से, वो है एंड्रॉइड 11, आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलता है,
12 होता ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो काफी सारे फीचर्स हैं 12 के, सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जो नहीं मिलेंगे, तो 11 है तो वो आप देख सकते हैं। और 5 बैंड मिलते हैं सिर्फ 5G वाले, तो अगर ज्यादा होते तो अच्छा है, थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग हो जाती है। तो इसके कौन से हैं, अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो दो ऑप्शन है इसके अंदर वेरिएंट में, 4 और 64 की, 4GB रैम 64GB इंटरनल, 6GB रैम 128GB इंटरनल। 4 और 64 वाला आपका 15,000 का है और दूसरा वाला 17,500 का है। तो अगर आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। जितने भी स्मार्टफोन बताए मैंने सबके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जितने भी अमेजोन वाले हैं वो सब एफिलिएटेड लिंक हैं, तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ऑफ भी मिल जाएगा, किसी पास अगर कार्ड हो बैंक ऑफ बड़ौदा शायद उसका कार्ड होगा तो 1500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो इस तरीके से पहला स्मार्टफोन। 4th नंबर पे स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर सैमसंग S23, जो कि एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है। और 4th नंबर पे क्यों रखा है मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले बात करते हैं। 750G मिलता है स्नैपड्रैगन का, इसके अंदर आपको जो कि 5G प्रोसेसर है ऑब्वियसली, और जो बहुत ज्यादा नया प्रोसेसर नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक बैलेंस, एक बैलेंस आपको प्रोवाइड करेगा प्रोसेसर, ये काफी अच्छा है और प्रोसेसिंग ठीक ठाक हो जाएगी। कैमरा की बात करें 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का बिना किसी यूज वाला मैक्रो लेंस, मतलब की कुछ यूज होता नहीं वैसे उसका। खैर इससे अच्छा तो आप अगर फोन को जूम करके भी फोटो क्लिक करोगे तो काफी अच्छी आ जाएगी मैक्रो में। तो 2 मेगापिक्सल यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसके अंदर भी। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो 6.6 इंचेस की TFT 120Hz वाली डिस्प्ले मिलेगी। देखिए TFT को मैंने क्यों यहाँ पर एम्फसाइज किया है, क्योंकि TFT डिस्प्ले IPS डिस्प्ले के कंपेरिजन में कम अच्छी होती है, मतलब कि इसके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो यूजुअली अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा सा इतना सा कॉम्प्रोमाइज करना हो तो कर सकते हैं सैमसंग के नाम के खातिर, पर स्मार्टफोन काफी ठीक है। अगर बात करें उसके प्रोज के बारे में, तो इसमें आपको इसके अंदर भी आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग अपनी जो रैम है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जो इंटरनल स्टोरेज उसके बदले में थोड़ी सी स्टोरेज लेके। इसके अलावा यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलता है। देखिए एंड्रॉइड 12 इसमें मैं जो बता रहा हूँ कि वो अच्छा है, उसके अंदर काफी सारे नए फीचर्स हैं, तो अगर आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है काफी अच्छी चीज है। इससे कि आपको अगर जो आगे अपडेट्स मिलने वाले, जो कि आजकल कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि हाँ वो आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगी, तो अगर आगे अपडेट मिलने वाले तो इसमें आपको फायदा होगा। और आप अपनी जो एंड्रॉइड 12 अगर अभी मिल गया तो उसके बाद फिर 13 में मिलेगा, हो सकता है 14 में मिलता है, तो इसलिए एंड्रॉइड 12 मिलता है। और इसका जो UI है One UI सैमसंग का काफी अच्छा है, इसी वजह से मुझे लगा कि इसे 4th नंबर पर रखना चाहिए। बाकी बात करें कौन की, तो कौन यही है कि इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले है वो TFT डिस्प्ले मिलती है। अगर IPS भी होती तो अच्छा होता, वैसे तो AMOLED हम लोग सैमसंग से एक्सपेक्ट करते हैं, पर इस रेंज में वो AMOLED नहीं देगा, पर फिर भी IPS भी होती तो भी अच्छा होता, तो ये कौन है। और हाँ प्रो में एक चीज़ और है, इसमें आपको 12 5G बैंड मिलते हैं, तो फ्यूचर प्रूफिंग है, आपको इंडिया में जो भी बैंड आता है 5G का वो काम में आ जाएगा, इस 12 में से तो होगा ही होगा। बात करें एक और कौन की, तो एक कौन और है इसके अंदर फ्रंट कैमरे का। अगर कोई यहाँ पर सेल्फी वाला इंसान है जो बहुत सारी सेल्फी क्लिक करता है, उसको आदत है सेल्फी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। जो मैंने इससे पहले बताया था 5वें नंबर वाला स्मार्टफोन रियलमी वाला, उसके अंदर आपको 60 मेगापिक्सल मिलता है, इसके अंदर आपको 8 मिलता है, तो ये भी कौन में काउंट किया है मैंने। बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर 15 और 16,000 की प्राइसिंग है, यानी कि 4 128 15,000 6 128 16,000, 1,000 का ऑफ और मिल जाएगा, ICICI कार्ड से ऑफ मिल जाएगा आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें अगले स्मार्टफोन की, तो वो है IQOO Z6, जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि मुझे पता है मैं पर्सनली भी मैंने यूज भी किया है, वो मेरे भाई के पास है, छोटे भाई के पास में, तो वो एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है IQOO Z6। इसके अंदर आपको प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 695 मिलेगा, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर हम लोग बोल सकते हैं, काफी अच्छा प्रोसेसर है ये। बेशक 4K वीडियो की कैपेबिलिटीज नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको बात करें तो कैमराज की, तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, बाकी 2 मेगापिक्सल के सेंसर जो कि किसी काम के नहीं होते वो भी मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। बात करें बैटरी, तो वही सेम आपकी यहाँ पर 5000 mAh की और 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.56 इंचेस की है, जो कि 120Hz की डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है, वो एक अच्छी चीज़ है, तो आपको अच्छी खासी डिस्प्ले मिल जाएगी। और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है। बात करें इसके कुछ प्रोज की, तो प्रो के अंदर इसमें आपको चीज़ें मिलती हैं, वो है यहाँ पर 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। अगर किसी को नहीं पता हो टच सैम्पलिंग रेट, तो मान लो एक स्मार्टफोन है, हम इसे टच कर रहे हैं, तो टच करने पर वो टच करना और फोन का रिस्पॉन्ड करना, मतलब आप सामने से, उसके बीच का जो टाइम है
वो डिसाइड करता है टच सैम्पलिंग रेट। अगर वो अच्छा होगा तो आप जितनी जल्दी मतलब जब आप टच करोगे उसका रिस्पॉन्स उतनी जल्दी आ जाएगा। तो 240 हर्ट्ज एक बहुत अच्छा आप यहाँ पर नंबर है, आपको काफी अच्छे तरीके से गेमिंग के टाइम पे हेल्प करेगा ये। तो इस तरीके से आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। इसके अलावा इसमें भी आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिलता है कि आप लोग अपनी रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, अगर आप लोग 4 GB वाला ऑप्शन लेते हैं तो आप लोग 1 GB बढ़ा पाएंगे यानी कि 5 GB हो जाएगी, 6 GB वाले में 8 हो जाएगा और 8 वाले में 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो रैम है उसको बढ़ा सकते हैं स्टोरेज के बदले में। इसके अलावा अगर बात करें एक और प्रो की इसके अंदर, तो वो है इसकी थिकनेस। बहुत थिन स्मार्टफोन है, 8.23 mm का है जो कि 186 grams का है, तो काफ़ी हैंडी स्मार्टफोन है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये कुछ प्रो है, पर अगर बात करें इसके कॉन की, तो कॉन में इसमें आपको सिर्फ 2 5G बैंड्स मिलते हैं। तो अगर वो ही यहाँ पर इंडिया में आते हैं तो बढ़िया, वरना तो किसी काम का नहीं है 5G इसका। इसके अलावा इसके अंदर आपको UFS 2.1 स्टोरेज मिलती है, पहले एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। तो इसके अंदर भी वही है, पर इसके अंदर एक प्रो और है जो कि मैं बताना भूल गया। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो जो भी सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जो भी सारे फीचर्स हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएंट है 4 GB रैम 128 GB इंटरनल, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल और 8 GB रैम 128 GB इंटरनल का ऑप्शन है। जो 4 GB रैम वाला ऑप्शन है वो आपको 15.5 का मिलेगा, पर अमेजोन के ऊपर अभी भी एक कार्ड ऑफर चल रहा है तो 1500 रुपये ऑफ हो जाएंगे अगर आपके पास कार्ड है तो। इसके अलावा एक ऑफ और मिल जाएगा अगर आप लोग चार्जिंग ब्रिक नहीं लेते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन है कि आपको चार्जर के साथ चाहिए बिना चार्जर के चाहिए, जो कि सिर्फ 4 GB रैम वाले ऑप्शन के साथ ही दिखा रहा है। तो अगर आप लोग चार्जर नहीं लेंगे तो 1500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, तो यानी कि 15.5 का फ़ोन आपको 3000 रुपये ऑफ होके मिल जाएगा। अगर बात करें सेकंड वेरिएंट के 6 GB वाला, तो वो 16000 का है, दूसरा वाला वेरिएंट 17000 का है इसका जो 8 GB वाला वेरिएंट है, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर हमारे अगले स्मार्टफोन की जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो वो है यहाँ पर मोटोरोला का Moto G51। ठीक है, स्मार्टफोन ये एक बैलेंस स्मार्टफोन है, कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी बुरी हैं। अगर बात करें स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है ये, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो 480 है, यानी कि स्नैपड्रैगन 480+, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, से बात है। इसके अलावा इसमें कैमरा मिलेगा आपको 50 MP का मेन सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का बिना किसी काम वाला प्रोसेसर कैमरा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपको डिस्प्ले की, तो 6.8 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। देखिए सबसे बड़ी डिस्प्ले अभी तक इन पांचों फोन में इसी में है, 6.8 इंचेस, जो कि 120 हर्ट्ज की IPS LCD डिस्प्ले है। इसके अलावा बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो सेम 5000 mAh, और अगर बात करें इसकी चार्जिंग की, तो 20 W का फास्ट चार्जिंग मिलती है, मतलब कि इसमें आपको 20 W फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें कुछ प्रोज की, तो इसके अंदर आपको एक तो 12 बैंड्स मिलते हैं 5G बैंड्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, तो स्टॉक एंड्रॉयड से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा, कंप्लीट स्टॉक नहीं है पर हाँ लगभग स्टॉक जितना ही है, तो कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई ऐड नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर IP52 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि IP52 वाटर रेपलेंट है यहाँ पर, कंप्लीट वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पानी की छींटे जाएंगे तो बच जाना चाहिए। तो वाटर रेपलेंट डिज़ाइन है इसका, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो इसके कुछ प्रो हैं, वो वैसे 240 हर्ट्ज क्या है मैं टच सैम्पलिंग रेट को पहले बता चुका हूँ। बात करें कुछ कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो डिज़ाइन, पर्सनली मेरे को डिज़ाइन पसंद नहीं आया, मतलब इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, मतलब जो बाकी स्मार्टफोन अगर कंपेयर करें तो बेशक उनमें प्लास्टिक बैक है पर वो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं दिखने में। इसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा डंप लगा, पता नहीं क्यों। तो इसमें आपको आप देख सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे खरीद सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन प्लस इसका वेट 208 ग्राम का है, ये अभी तक इन सभी स्मार्टफोन में सबसे भारी स्मार्टफोन है 208 ग्राम प्लस। जैसे आपको बताया मैंने 6.8 इंच की डिस्प्ले है, तो बड़ा फ़ोन है और डिज़ाइन भी वैसा ही है, फॉर्म फैक्टर वैसा ही है, तो इसका वेट भी वैसा ही 208 ग्राम का है। तो ये इसके कुछ कौन लगे मुझे, जो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगा ऐसा, मैंने बता दिया, मैंने सोचा कि बताना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ स्मार्टफोन इस तरीके का मैं इसलिए बोला था, ये बैलेंस स्मार्टफोन है। अगर बात करें प्राइसिंग के, तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे वेरियंट मैंशन किए गए हैं कि इसके इतने सारे वेरियंट्स हैं, इसमें 4 64 6 64 4 128 6 128, और काफ़ी सारे आगे भी हैं, पर अवेलेबल सिर्फ एक ही है जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जो कि है 14900 का, और आपके पास कार्ड होगा तो आपको 1500 का ऑफर मिल जाएगा। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों बात करें अगर हमारे लास्ट स्मार्टफोन की, यानी कि जो नंबर 1 पे स्मार्टफोन आता है, वो है यहाँ पर पोको X4 Pro 5G।
तो ये स्मार्टफोन है, इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो अगेन डायमेंसिटी 810 मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो यहाँ पर कैमरा मिलने वाले, डुअल कैमरा सेटअप है। अभी बोलोगे कि रिसर्व ये क्या बोल रहा है, अभी तो बोला था कि नंबर वन वाला स्मार्टफोन है, पर इसमें तो ट्रिपल भी नहीं है, डुअल ही है। एक तो वैसे भी काम का नहीं होता। तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके अलावा इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो 6.6 इंचेस की है, जो कि 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले। तो आप फिर से बोलोगे ऋषभ ये नंबर वन पे कैसे होगा 90 हर्ट्ज है, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है वो 90 हर्ट्ज बेशक है, पर यहाँ पर 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जो कि पीछे कलर गैमेट के साथ में आती है, यानी कि इसके कलर काफी अच्छे होंगे, काफी अच्छे तरीके से कलर कैलिब्रेट किए गए हैं। इसके अलावा 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। अभी इस शब्द को याद रखना, पीक ब्राइटनेस को मैं आगे किसी वीडियो में बात करने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि इसे बात करते हैं इसके कुछ प्रोस के बारे में, तो इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर मिलती है, यानी कि जो वाइब्रेशन मोटर होती है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आपको पता होगा तो जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं उनके अंदर एक अलग तरीके का डिजाइन होता है, अलग तरीके की मोटर होती है जो कि अच्छा फीडबैक देती है, यानी कि आप लोग जब फोन को यूज करोगे, चाहे कुछ भी उसमें करोगे आप, तो अच्छा फीडबैक मिलता है आपको। तो वो भी एक प्रीमियम फीचर देने के लिए यहाँ पर इसमें डिफरेंट टाइप की मोटर दी गई है। UFS 2.2 स्टोरेज है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 240 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैंपलिंग रेट मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड्स मिल जाते हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं। ये दो चीज़ें और हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। पहली चीज़ है यहाँ पर इसका डिज़ाइन, जो पर्सनली मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, इसीलिए भी मैंने इसको नंबर वन पे रखा। स्पेशली येलो कलर के अंदर इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। और अगर बात करें अगले फीचर की, तो वो है इसका सबसे जो मेन फीचर जो किसी भी स्मार्टफोन में नहीं है, इनमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। कंपनी क्लेम कर रही है कि 59 मिनट्स, यानी कि 59 मिनट में आपका फोन 0 से 100 हो जाएगा। तो आपको एक फास्ट चार्जिंग, सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग इसी के अंदर मिली है 33 वाट की। तो ये भी प्रो है इसका। अगर बात करें कुछ कॉन की, तो इसके अंदर आपको पहली चीज तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है, जो कि कुछ लोगों के लिए 90 हर्ट्ज यहाँ पर कॉन हो सकता है, कुछ लिए नहीं भी होगा, क्योंकि वो भी हाई रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथ ही है एक्सपीरियंस। फिर भी मैंने कॉन में डाल दिया 90 हर्ट्ज। इसके अलावा जो अगला कॉन है वो है एंड्रॉइड 11। ये मैंने पहले ही बोला था, एंड्रॉइड 11 मैंने कॉन में ही काउंट करूंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जितना टाइम हो चुका है एंड्रॉइड 12 को आए हुए, यहाँ पर इन्हें एंड्रॉइड 12 देना चाहिए। पर अगर कंपनी अभी भी नहीं दे रही है तो वो कॉन में ही काउंट होगा, क्योंकि उसमें काफी सारे फीचर्स है, काफी अच्छी चीज है, तो इसमें एंड्रॉइड 11 मिलता है। और अगर फाइनली बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये जो स्मार्टफोन है ये यहाँ पर स्टार्ट होता है 4GB रैम 64GB इंटरनल, और जाता है ये 8GB रैम और 128GB इंटरनल तक। प्राइसिंग यहाँ पर इसकी 14,000 से लेकर 18,000 तक जाती है। 750 रुपये का ऑफ मिल जाएगा, किसी पास कार्ड हुआ तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टॉप पिक्स, टॉप 5 स्मार्टफोन, टॉप 5 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। मैंने काफ़ी मेहनत करके ये बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूज़ भी देखे हैं, मैंने यहाँ पर कंपैरिजन भी किए हैं, कुछ स्मार्टफोन मैंने खुद भी यूज़ किए हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिस्ट बनाई है काफ़ी मेहनत से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इतने टाइम बाद, एक वीडियो जो कि शायद लंबी भी हो गई होगी, फिर भी अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको मेरा सेटअप कैसा लगा, मेरा बैकग्राउंड कैसा लगा। और अभी हम रेगुलर काम करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।